जय हिंद दोस्तों इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है मेरा नाम है चैन सिंह आप सभी जानते हैं दोस्तों हम उत्पत्ति के नियम पढ़ रहे हैं और उत्पत्ति के नियमों के अंतर्गत हमने उत्पत्ति हिरासत नियम समझ लिया है उत्पत्ति वृद्धि नियम समझ लिया है एक नियम और छूट रहा है उत्पत्ति समता नियम तो आइए उस पर चर्चा करते हैं जो दो नियम हमने समझे हुए हैं जरा उन पर आज हम चर्चा करेंगे एक बार फिर से क्योंकि तीनों नियम एक ही नियम में से निकल के आए हैं या हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन फलन को समझने के लिए तीन नियमों का जो प्रतिपादन किया गया है उसे हम एक नियम के द्वारा भी समझ सकते हैं या फिर तीन अलग अलग भागों में बांट सकते हैं यदि हम उत्पत्ति हिरास नियम को समझें तो तीनों कंडीशन एक साथ समझते हैं कौन कौन सी कंडीशन तीन अवस्थाएं हैं प्रथम अवस्था जिसमें हम स्थिर साधनों और परिवर्तनशील साधनों का उपयोग करके उत्पादन करते हैं तो पहली अवस्था में जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है बढ़ती हुई दर से प्राप्त होता है उसके बाद समता, समता जो सम्ता नियम है, उसकी उत्पत्ति होती है कि एक बिंदु के पास समान भी रहता है और उसके बाद फिर घटने लगता है ये तीन अवस्थाएं हमने पढ़ी हुई हैं तो बढ़ते पैमाने के प्रतिफल का नियम घटते पैमाने के प्रतिफल का नियम और ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था ये तीन अवस्थाएं हम समझ चुके हैं अब जरा हम ग्राफ पर एक बार चर्चा करेंगे जो ग्राफ हमने उत्पत्ति ह्रास नियम का समझा हुआ है इसमें हमने जो पहली अवस्था समझी हुई थी जिसमें सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन और कुल उत्पादन तीनों ही क्या होता है बढ़ती हुई दर से बढ़ता है और जिस बिंदु तक बढ़ता है उस बिंदु तक क्या होती है प्रथम अवस्था होती है उत्पत्ति वृद्धि नियम की ठीक है और ये प्रथम अवस्था कहां तक होती है जहां तक कि सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन क्या हो समान हो वहां तक मानी जाती है जहां से उत्पादन घटना प्रारंभ हो जाता है उसको कहते हैं हम मोड़ का बिंदु ये सारी बातें हम चर्चा कर चुके हैं उत्पत्ति ह्रास नियम समझते वक्त तो एक बार हमें ध्यान करना था तो हमें आज हमने पिछली जो क्लास में समझाया उत्पत्ति वृद्धि नियम तब हमने किस बात किसकी चर्चा की है तब इस भाग की हमने चर्चा कर ली है कौन से भाग की जहाँ पर हम स्थिर साधनों और परिवर्तनशील साधनों के साथ उत्पादन करते हैं तो उत्पादन कुल उत्पादन जो होता है वो बढ़ती हुई दर से बढ़ता है उसके साथ साथ, साथ सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है औसत उत्पादन भी बढ़ता है ये जो थी ये जो कंडीशन होती है या हम ये कह सकते हैं कि जो पहली अवस्था होती है वो होती है उत्पत्ति वृद्धि नियम की और अंतिम अवस्था क्या होती है अंतिम अवस्था होती है उत्पत्ति हिरास नियम की जहां से क्या होता है कि एक बिंदु के पश्चात जो उत्पादन होता है वह कम होने लगता है घटने लगता है वह होता है उत्पत्ति ह्रास नियम अब इन दोनों नियमों के यहाँ से देखिए यहाँ से जैसे कि उत्पादन क्या हो गया है घटना प्रारंभ हो गया है जहाँ पर सीमांत तो उत्पादन क्या हो जाता है शून्य हो जाता है उसके बाद जो हमारा कुल उत्पादन रहता है टी बिंदु पर हमने समझा हुआ था कि टी बिंदु पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है वहाँ पर जो हमने टेबल इस्तेमाल की थी उसमें कुल उत्पादन था हमारा जो अधिकतम था वो 84 था वो क्या था टी बिंदु था उस टी बिंदु के नीचे जस्ट जो हमारा सीमांत उत्पादन था वो कैसा हो गया था शून्य हो गया था और उसके बाद यदि हम जो श्रम की इकाइयां थी उनमें परिवर्तन करते हैं तो वो किस प्रकार से हो जाता है फिर माइनस में हो जाता है ऋणात्मक हो जाता है मतलब कि कुल उत्पादन घटने लगता है तो यहां से जो नियम लग जाता है वो लग जाता है उत्पत्ति ह्रास नियम ये ह्रास नियम तो हम समझ चुके हैं और यहां जो रहता है इसके पहले कौन से मोड़ बिंदु के पहले जो नियम लगता है वो रहता है उत्पत्ति वृद्धि नियम ये दोनों अवस्थाएं समझ में आ गई अब हमारी एक अवस्था और बची हुई है जो दोनों के बीच में आती है जहां पर उत्पादन बढ़ता है एक समान दर से बढ़ता है जहां पर सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन क्या होते हैं दोनों बराबर होते हैं तो ये जो स्थिति मानी जाती है वो यहां पर मानी जाती है दोनों नियमों के बीच में अब ऊपर देखिए उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में क्रियाशील क्या क्रियाशील रहता है उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पादन की अंतिम अवस्था में क्रियाशील होता है उत्पत्ति ह्रास नियम इन दोनों के बीच की जो स्थिति है वो कौन सी स्थिति होती है उत्पत्ति समता नियम की ये जो बीस की स्थिति है ये क्या है ये है समता नियम की ये तीनों स्थितियां समझ में आ गई हैं एक ही ग्राफ में तो जो हमारा ग्राफ निकल के आता है उत्पत्ति ह्रास नियम का हमने शुरू में भी यही पढ़ा हुआ है कि जो उत्पत्ति ह्रास नियम है आधुनिक अर्थशास्त्री उत्पत्ति ह्रास नियम को अलग महत्व देते हैं ज्यादा महत्व देते हैं और जो दो उत उत्पत्ति के नियम है कौन कौन से उत्पत्ति वृद्धि नियम उत्पत्ति समता नियम दोनों को इसी का अंग मानते हैं ये समझ चुके हैं ंग इसीलिए मानते हैं कि जो हम उत्पत्ति ह्रास नियम पढ़ते हैं उसकी शुरुआत में ही उत्पत्ति वृद्धि नियम क्रियाशील हो जाता है और अंत में जो होता है वो उत्पत्ति ह्रास नियम होता है और बीच में उत्पत्ति समता नियम लागू हो जाता है तो वो तीनों पार्ट यदि हम समझें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं अब चलिए परिभाषा पर चलते हैं परिभाषा को समझ लें एक लाइन और समझ लें पहले उत्पादन के किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाने पर औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन कैसा हो स्थिर हो तो उस समय समता नियम लागू हो जाता है जहां पर सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन किस प्रकार का हो समान हो दोनों बराबर हो जैसे टेबल में देखिए अभी हम समझेंगे तो समझ में आ जाएगा ठीक से एक बार हम प्रोफेसर स्टिगलर की परिभाषा समझ लें ये क्या कह रहे हैं जब सभी उत्पाद ये सेवाओं को एक दिए हुए अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है इसे हम उत्पत्ति का समता नियम कहते हैं ये इसकी आसान और बड़ी ही सरल परिभाषा है किस प्रकार की अब मान के चलिए जैसे कि हमारे पास कुछ साधन है, है पैर में किस प्रकार के पेड़ में अब देखिए मान लीजिए इसमें खाने हैं इस प्रकार से खाने हैं इसमें वस्तुओं का निर्माण निर्माण होता है है कोई भी वस्तु मान लीजिए इसमें हो रहा है। एक मजदूर लगाएंगे तो जो उत्पादन कर रही है मशीन वो व्यक्ति एक ही पेड़ का उत्पादन कर पाएगा मान लीजिए वो पूरे दिन में सौ पेड़ कंप्लीट कर लेता है तो उसका उत्पादन कितना हुआ सौ का अब यहां पर यदि दूसरा मजदूर लगा दें तो मान के चलें जो उत्पादन में वृद्धि होगी वो समान होगी मतलब कि पहला जो उत्पादन पहला व्यक्ति जो उत्पादन कर रहा था उतना ही दूसरा व्यक्ति भी करेगा तो ये दूसरा जो व्यक्ति है वो भी एक पेयर को संभाल लेगा तो उत्पादन कितना हो जाएगा फिर दो सौ का तीसरा व्यक्ति और लगा दें तो तीसरा व्यक्ति भी सौ पेयर और बनाएगा इसके साथ साथ तो फिर उत्पादन कितना हो जाएगा तीन सौ अब इसमें देखिए जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है सौ सौ रुपये का अंतर आ रहा है सौ सौ इकाइयों का अंतर आ रहा है तो ये क्या है ये जो निकल के आ रहा है मतलब कि अगली इकाई में से हम पिछली इकाई घटाएंगे तो कितनी निकल के आया है सौ अगली इकाई में से यहां पर पिछली इकाई घटाई तो भी कितना निकल के आया है सौ मतलब कि जो हमारा सीमांत उत्पादन है कौन सा उत्पादन सीमांत उत्पादन ये क्या है ये समान है एक ही दर से बढ़ रहा है इसी प्रकार एक ही दर से कुल उत्पादन भी बढ़ रहा है पहले सौ हो गया फिर दो सौ हो गया फिर तीन सौ हो गया एक ही दर है इसी प्रकार हम अब टेबल पे आ जाते हैं तो टेबल देखिए हमारी जो हमने समझ लिया है बिल्कुल सेम स्थिति यहां पर है परिवर्तनशील साधन कौन सा लिया है श्रम को लिया है बाकी के साधन कैसे हैं स्थिर हैं पहली इकाई पर दस इकाइयों का उत्पादन हो रहा है मतलब एक हमने इकाई ली है किसकी श्रम की उस पर उत्पादन कितना हो रहा है कुल उत्पादन दस इकाइयों का उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों बराबर होंगे मतलब पहले बिंदु पर या पहले हम ये कह सकते हैं कि कुल उत्पादन, और तीनों ही समान रहते हैं, दो कर देते हैं की तो उत्पादन जो हो गया है वो दुगना हो गया है अब दुगना हो गया है तो सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन फिर भी उतना ही निकल के आएगा जितना पहले था क्योंकि उत्पादन एक ही दर से बढ़ रहा है यहां पर देखिए तीन किया तो तीस हो गया चार श्रमिक किए तो चालीस हो गया पाँच श्रमिक किए तो पचास हो गया अब यदि हम कुल उत्पादन में इन संख्याओं का कौन से परिवर्तनशील साधनों का जब हम कुल उत्पादन में भाग देते हैं तो क्या निकल आता है औसत उत्पादन दस में एक का भाग देंगे तो दस ही आएगा औसत उत्पादन दस आ गया बीस में दो का भाग देंगे तो औसत उत्पादन दस आ गया तीस में तीन का भाग देंगे तो भी दस आएगा चालीस में चार का भाग देंगे तो भी दस आएगा तो औसत उत्पादन भी समान है अब यदि हम अगली इकाई में से पिछली इकाई को माइनस करें तो सीमांत उत्पादन भी समान है दस आ रहा है अब यदि में हम क्या करें एक ग्राफ बनाएं समता नियम का तो वो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा देखिए शून्य पर हम क्या मान लेते हैं <coughs> जब कोई भी हम श्रम की इकाई प्रयोग नहीं कर रहे हैं उसमें वृद्धि नहीं कर रहे हैं तो उत्पादन भी क्या होगा शून्य होगा पहली इकाई पर उत्पादन बढ़ के कितना हो गया है दस हो गया है दूसरी इकाई पर बीस हो गया है तीसरी इकाई पर तीस हो गया है चौथी इकाई पर चालीस हो गया है और पांचवी इकाई पर पचास हो गया है इस प्रकार से इसका क्या बनेगा यह ग्राफ निकल के आएगा हमारा किसका कुल उत्पादन का मतलब कि टोटल प्रोडक्शन का यह ग्राफ निकल के आ गया अब यदि हम सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन दोनों को भी इस पर क्या करें प्रेजेंट करें तो फिर किस प्रकार से निकल के आएगा यहां तो जीरो रहेगा तो ये यह यहीं तक आएगा और यहां से एक हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे किस पे दस पे क्योंकि सारे अंक कितने हैं दस दस के हैं तो ये क्या हो गया ये जो लाइन होगी हमारी ये किसकी होगी औसत उत्पादन की और सीमांत उत्पादन की यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन की दोनों की एक ही लाइन होगी दोनों एक ही पे आ जाएंगे मतलब कि समान रूप से काम कर रहे हैं हमने लाइन में क्या पढ़ा हुआ है उत्पादन के किसी परिवर्तनशील साधन की इकाइयों की मात्रा को हम यदि बढ़ाते हैं तो औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन स्थिर रहता है उस स्थिति को हम कहते हैं उत्पत्ति का समता नियम ये बड़ा ही आसान था सरल था आप खुद ही जो हम तीनों नियम समझ लिए हमने यदि उत्पत्ति ह्रास नियम समझ लिया उसकी तीनों अवस्थाओं को समझ लिया जो बढ़ते पैमाने के प्रतिफल का नियम या फिर घटते पैमाने के प्रतिफल का नियम और तीसरा था ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था तीनों को समझ लिया तो हम तीनों नियम की व्याख्या आराम से कर सकते हैं समझ में आ गया बस इतना ही है इतना ही समता नियम है इससे अधिक आप आगे बढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे हमें कुछ भी नहीं समझना है एक यदि और उदाहरण से यदि हम समझें कि ये स्थिति पैदा कब होगी देखिए ये जो स्थिति है जहां पर सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों बराबर होंगे ये केवल इस प्रकार की मशीन में ही हम उदाहरण के द्वारा समझ तक समझ सकते हैं कि जहां पर क्या हो पेयर में प्रोडक्शन हो इतना समझ में आ गया इस प्रकार से ग्राफ बनेगा ग्राफ की आराम से व्याख्या कर सकते हैं हम ये लिख सकते हैं इस प्रकार से यदि हम पॉइंट भी कर दें तो भी कोई जरूरी नहीं है हमने इतना शो कर दिया ग्राफ बना दिया हमारा पूरा हो जाएगा व्याख्या में हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं या फिर ये कहें कि ग्राफ का वर्णन यदि हम करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत जो कुल उत्पादन है सीमांत उत्पादन है और औसत उत्पादन है वह ग्राफ पर निम्न प्रकार से व्यवहार करेगा जो ऊपर चित्र में दिखाए गए हैं हम इस प्रकार से शो कर देंगे और बता देंगे बिंदु ओ से लेकर यहाँ पर कोई भी नाम दे दीजिए आप ए या फिर बी ओ से लेकर ए तक कुल उत्पादन दर्शाया जा रहा है जो क्या है एक समान दर से बढ़ता हुआ जा रहा है इसके बाद समान दर से औस कुल उत्पादन बढ़ने के कारण जो सीमांत उत्पादन है और औसत उत्पादन है दोनों ही बराबर आ रहे हैं इसलिए एक ही बिंदु पर क्या हो रहा है उनकी उनका व्यवहार हमें दिखाई दे रहा है इतना हमने लिख दिया हमारे जो ग्राफ है उसका वर्णन हो गया है इतना समझ में आ गया इसके अंतर्गत तो और कुछ भी नहीं है और ना ही हमें कुछ समझना है परीक्षा में भी यदि केवल उत्पत्ति समता नियम पूछा जाता है तो इतना ही लिख देंगे तो भी हमें मार्क्स फुल मिलेंगे चलिए ये कंप्लीट हो गया है इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए कमेंट करके पूछ सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम